नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंडका विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश दलाल जी से मौके पे हम इनके कार्यालय पे मौजूद हैं, इनसे हम सीधी बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। पहले आने वाला जो 2022 चल रहा था, नव वर्ष पे आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। और दूसरा जो है, क्या नाम है, आप हमारे इसके क्षेत्र में आए, आपके आपको भी नमस्कार। और हालात जानने के लिए आप आए हो तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। अच्छा प्रकाश जी, आपका जो राजनीतिक सफ़र, जो दौर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी में, कैसे आना हुआ आपको? हमारा जी जो है ना, ये पार्टी हमें अच्छी लगी, जो कहती है वो काम भी करती है। ओके। दूसरा जो है, हमारे जैसे आदरणीय मोदी जी हैं, उनने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। ओके। जो 60 साल में काम पहले नहीं हो चुके होने पाए वो जो है इस सरकार ने करके दिखाए। अच्छा, मोदी जी की जो योजना है सर, धरातल पे क्या लगता है, पहुँच रही है या उस चीज़ को लेकर आप जागरूक कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं, दूसरा पहुँच भी रही है। और जैसे अपना आप ये राशन से लगा लो भाई, राशन जो अब कोरोना का इसमें जो है खूब मदद की है बच्चों की, और टीके है हर घर घर, वैक्सीन है, और वैक्सीन की सुविधा हर गांव में कराई है। पहले दूर दूर जाना पड़ता था, हमारे नज़दीकी हॉस्पिटलों में सुविधा ये उपलब्ध है। और जो पहले जो है 60 साल से ऊपर के जो उनको भी लग चुकी है, अब बच्चों को 15 से 18 जो भी है उनको अब लग रही है इस टाइम। अच्छा प्रकाश जी, जान लेते हैं जैसे कि दिल्ली में जो महामारी जो फैल रही थी, तीसरी लहर, और आप देख रहे हो कि वीकेंड पे लग चुका है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके सरकार की क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में? दिल्ली सरकार की तैयारी जो है, इसमें हमारी जो केंद्र सरकार है वो फुल इसमें सपोर्ट कर रही है। जो उससे जो बनता है, वैक्सीन ले लो भाई, डॉक्टर्स ले लो, हॉस्पिटल ले लो, सब सुविधा उपलब्ध है। सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 साल हो चुके हैं सर, आप किस रूप में देखते हो इस आम आदमी पार्टी को? आम पार्टी ने सिवाय फ्री के कोई ऐसी सुविधा नहीं दी, फ्री से कभी भी देश ऊपर नहीं उठता, जो है रोजगार से ऊपर उठता है। आज युवा बगैर रोजगार घूम रहे हैं, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं जो बच्चे जो है कहीं रोजगार में अपना हाथ जमाए। और दूसरा जो है, आप कहीं भी हमारे इसमें स्टेट में कहीं भी चले जाओ, आप सभी रोडों में धूल उड़ती है, सब रोड टूटे पड़े हैं, एक भी कोई ऐसी सुविधा नहीं। जो दिल्ली को पेरिस बनाने की कहते थे जी, जो अन्ना के साथ बैठ के जिन्होंने ये वादे किए थे, आज आप उसमें जाके देखो, कोई भी ऐसा काम दिल्ली में आप बता दो, नया कोई काम हुआ हो किसी रोड पर ले लो, नाले पर ले लो, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। अच्छा मुंडका विधानसभा में इस वक्त मौजूद है सर, यहाँ के जो विधायक हैं उनका क्षेत्र लगता है मुंडका, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ क्षेत्र में सर? अभी तक वो तो कोई हमने ऐसा कोई नया डेवलपमेंट देखा नहीं है, बाकी जो पहले रह चुके हमारे भाई साहब सुखबीर दलाल जी, उसने खर काम किए हैं, लेकिन फिर भी सुविधाएँ कुछ काफ़ी अधूरी रहेगी, जैसे रोड की है, नाली की है, कूड़ा घर है, कोई भी ऐसी वो नहीं है, सब बेकार हुआ पड़ा है, जगह जगह गंदगी खड़ी पड़ी है, कोई देखने नहीं आता, कोई छिड़काव नहीं है। ओके। और इस कारण जो है बीमारी से जो है लोग बड़े परेशान हैं। सर आप पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं प्रकाश भाई? मैं जो है, हमारी जो है निकासी मातन से है, हरियाणा से, और हम हिरण कुदना गांव से हैं। ओके। और प्रकाश दलाल मेरा नाम है। सर मौजूदा पार्षद जी कैसी भूमिका सर? उनकी जो है भूमिका अच्छी रही है, हम उनको जो है गलत नहीं कह सकते, जो उससे बन पाता है, जो उसके दायरे में आता है वो काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ जो है कमियां रह जाती हैं नहीं। लेकिन बीजेपी जो एक सरकार ऐसी है, अगर कहते हैं डबल इंजन वाली सरकार हो जाए तो उसका बेनिफिट हर आदमी को और डबल मिलता है। तो प्रकाश जी, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं MCD 2022 के, हाँ जी, क्या लगता है इस बार 15 साल दिल्ली में भाजपा MCD है ना? हाँ जी। आने वाले समय आ रहा, क्या लगता है? आने वाले समय में जैसा भी पब्लिक चाहेगी, जैसा जो अच्छा लगेगा वो रिजल्ट आएंगे। तो क्या आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे आप प्रकाश भाई? जरूर रहेंगे, और बीजेपी के हम कार्यकर्ता रहे हैं, रहेंगे साथ। बोला क्या लगता है आपका वार्ड नंबर कितना है प्रकाश जी आपका? 39। वार्ड नंबर 39 है? हाँ जी। तो आपका लोगों में क्या जनसंपर्क है, आप क्या लोगों से आपका टाइप है, क्या आप समाज की सेवा कर रहे हैं? मैं जो है जितना भी बन सकता है अपना, जो अपनी तरफ से कहीं भी जो है किसी गरीब की सेवा में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो हमारे से बनता है वो हम करते हैं।
अच्छा, और कुछ एक संदेश क्या देना चाहेंगे सर लास्ट में आप? यही है जी, सोच समझ के हम सभी से जो है हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हैं, पार्टी को देख के वोट दें, सोच समझ के दें, किसी की बहकावे में ना आए नहीं, और इससे अलावा क्या कहें। ठीक है, तो ये हमारे सीधी बात प्रकाश दलाल जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।